जब जाने दे यार, उसकी खैर नहीं है। अरे उसकी छतरी को कोई गलती से भी अगर गिरा दे तो वो लाल पीला नीला हो जाता है। अरे जेठालाल, गिराना तो बहुत दूर की बात है, छतरी के बारे में कुछ बोल दो तो झगड़ा करने में उतारू हो जाता है। उसको अपनी छतरी जितनी प्यारी है उससे कहीं ज्यादा यह भिड़े को अपना सखाराम प्यारा है। अरे बेटा मानता है वो सखाराम को। सही बात है भाई। आज ठीक बात नटी हा, पोपट भाई ने बहुत खराब काम करियो हा। ऐसा बिना बताए सखाराम को थोड़ी लेकर जाना चाहिए था। ऐसा मजाक भी कोई करता है, मजाक की भी हद होती है। और क्या? वेरी बैड हा, पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोपटलाल, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, श्राप। अगले और 5 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। इस सोसाइटी में या तो वो नहीं या मैं क्यों? मैं तो रहूंगा इस सोसाइटी में, तुम नहीं रहोगे। आजा पोपटलाल, आजा, मैं इधर ही बैठा हूँ, आजा। मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे बाप रे, आज बड़े भाई ने पोपट भाई के सामने जंग छेड़ दी है, पता नहीं क्या होगा। मैं तो सब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ धूप बहुत है, बहुत गर्म भी है, तो आप भिड़े को जरा घर में ले जाइए ना। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे भिड़े भाई, बहुत धूप है यहाँ, बहुत गर्मी है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अंदर चलते ना, वहाँ बैठ के पोपटलाल का इंतजार करते हैं। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं, माधवी भाभी भी घर पे नहीं है, आप थक भी गए हैं तो चलिए ना, मैं आपको चाय नाश्ता बना के देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ हाँ, मैं तो सब जाइए, ले जाइए भिड़े को अंदर। क्या है कि मैं, सोडी और आती भाई यहीं रुकते हैं, और पोपटलाल जैसे ही आए उसको दबोच के अंदर लेके आ। बिल्कुल भिड़े, अभी सखाराम हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जैसे आते बता रहा जेठालाल, उसे मत बता, मैं अंदर बैठा हूं। लेके आते हैं अंदर, आप सब भी चलिए, सब चलते हैं, आइए ना। हाँ जाइए जाइए जाइए। अरे अब्दुल, दुकान पे कोई है? नहीं कोई नहीं है, बोलो ना क्या चाहिए। नहीं नहीं कुछ चाहिए नहीं, मैंने बोला अभी यहाँ कुछ काम नहीं है, तू जा दुकान संभाल आराम से। हाँ बिल्कुल अब्दुल, जा 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 भाई, जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। भाई आप क्यों खड़े हैं, आप जाइए अंदर। क्यों? मैं यहाँ खड़ा है तो तुमको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, यहाँ धूप बहुत है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। जेठालाल, चेन्नई में तो इससे भी ज्यादा धूप है, और मैं उस धूप में पला बड़ा हूँ, यह धूप तो कुछ भी नहीं है। अरे पर यहाँ खड़े रह के आपको करना क्या है? कन्फर्म करना है कि पोपटलाल के पास स्कूटर है या नहीं। अरे यार भाई, तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, इनको कैसे भी करके अंदर तो पहुंचाना ही पड़ेगा, क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर चला जाता हूँ, मेरे पीछे पीछे पंचायत करने जरूर आएंगे, फिर उनको मेहता सबको सौंप के मैं बाहर आ जाऊंगा। हाथी भाई, छोटे हाँ जी, मैं जरा अंदर मेहता सबको मिल के आता हूँ। ओके जी। हाँ एक मिनट, शांति रखो। अरे सब महिला मंडल कहाँ है? अंदर है क्या? अरे बबीता जी, बबीता से क्या काम है? एक मिनट, अभी पता चल जाएगा, एक मिनट शांति रखो यार भाई। बबीता जी। हाँ जेठा जी, बोलिए। बबीता जी एक मिनट जरा आइए ना। एक मिनट आप उधर रुको ना भाई। अरे आइए भाई एक मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आइए सुनो। बबीता जी क्या है, अभी मैं, सूडी और आतिफ भाई सखाराम को लेने के लिए जा रहे हैं। ओके। और यहाँ भिड़े को संभालने के लिए मेहता साहब अकेले। हाँ। तो मैंने अय्यर भाई को बोला कि आप इधर मेहता साहब के साथ रहो, लेकिन वो समझते ही नहीं, बोले नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगा, तो आप जरा प्लीज उनको समझाओ ना कि वो इधर रहे। अच्छा ओके, अय्यर यहाँ आओ जरा। अय्यर तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहो।
भीरे भाई का ध्यान रखो। बोल रहे हैं ना इधर रू, तो रुको ना भाई, बबीता जी बोल रहे हैं, उनको भी तो उनका भी नहीं मानेंगे। ठीक है, भीरे भाई का ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अरे अच्छा। हाश, क्यों गया जेठापुरा, अचानक अंदर क्यों गए? अरे वो नाक को बिल में छोड़ने गया था। मुझे कब से आप लोगों से बात करनी थी कि भाई अब तक तो हमने मामला संभाल लिया है, लेकिन मान लो पोपटलाल अचानक जल्दी आ गया तो क्या करेंगे? लेकिन ये बात करूं तो कैसे करूं? वो अय्यर भाई वो खजाने पे बैठे नाक की तरह यहीं खड़े थे, इसलिए उनको जरा बबीता जी के पास छोड़ के आया। ओ, अच्छा अच्छा, अब क्या करें? एक काम करें, पोपू को फोन करके बोल देते हैं जब तक हम ना कहें तब तक यहाँ ना आए, प्रेस में ही रहे। हाँ, ये अच्छा आइडिया, मैं फोन करता हूँ। उसका फोन तो नॉट रिचेबल आ रहा है। तेरी क्या हुआ? वो जेठा प्रा, जैसे सवेरे हम सोच रहे थे कि पीड़ू तो लोनावाला गया हुआ है, पर वो अपने घर के अंदर सो रहा था। नहीं ऐसा तो नहीं, हम सोच रहे हैं कि पोपू प्रेस में है और वो अपने घर में सो रहा हो। सोडी डरा मत दोस्त, बड़ी मुश्किल से ये सब सोचा है। नहीं नहीं, लेकिन सोडी की बात सच है आती भाई। एक काम कर सोडी, जा फटाफट जाके चेक करके आ तू। जा जा जा। हाँ जेठा ब्रा। जेठा भाई, अगर पोपटलाल घर पे हुआ तो हम लोग तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, काम करेंगे ना, उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जेठा भाई वो पोपट है, उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उड़ने की कोशिश करेगा। पोपू के घर पे तो ताला है, वो बच गए, मजा आ गया। मतलब जी, थैंक यू। हाँ लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना आती भाई। जेठा भाई, पोपू घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है दबजी की मेरा। चलो हाश, अब जल्दी बोलो की करना है आगे। अभी एक काम करें, कैसे भी करके भीड़े को थोड़ी देर के लिए सुला दे। सुला दो, लेकिन सुलाए कैसे? आती भाई, थोड़ी देर के लिए भीड़े को सुलाना है तो एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन अगर आप। अरे नींद के इंजेक्शन की बात ही मत कीजिए जेठा भाई, ये सब गलत है। मैं एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी कल मैंने मना किया था इसके लिए, फिर भी आप सेम टू सेम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कल आपने बोला था, लेकिन मैंने सोचा वो कल बोला था ना, अभी आज नया दिन है तो शायद। दिन कोई भी हो जेठा भाई, जो गलत है वो गलत है। नहीं बराबर बराबर है, तो क्या करें? आइडिया की काम करे, भीड़े को जायफल वाला दूध पिला के सुला दे। क्या कि मैंने सुना है जायफल वाला दूध पीने से एकदम घेन चढ़ता है और घस घसाट नींद आ जाती है। सही बात है जेठा भाई, जायफल के अंदर ट्राइमिस्टिन होता है जो नींद आने में मदद करता है। वाह वाह बढ़िया। तो हाथी भाई, आपके घर पे जायफल काजू बादाम पिस्ता वगैरह तो होगा ना? सब है। तो आप एक ऐसा जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भीड़े को पिला दीजिए। ठीक है। पर जेठा प्रा, हमको तो पोपू को यहाँ आने से रोकना है, फिर पीड़ू को दूध क्यों पिलाना? छोटी समझा नहीं तू, अभी भीड़े हमारे लिए उस बच्चे जैसा है जो सखाराम नाम के खिलौने के लिए दम पछाड़ा कर रहा है। अभी छोटे बच्चे खिलौने के लिए जब भी जिद करते हैं तो बड़े क्या करते हैं? जायफल वाला दूध पिला के उनको थोड़ी देर के लिए सुला देते, तो बच्चे क्या जब भी उठते हैं तो उसे भूल जाते। तो ऐसे ही हम लोग भीड़े को जायफल वाला दूध पिला के थोड़ी देर के लिए सुला देते, फिर जब तक वो सो रहा है तब तक तू और मैं हम लोग यहाँ से जाते हैं, तू मुझे पोपटलाल के प्रेस में छोड़ देना और वहाँ से तू चले जाना सखाराम को लेने। मैं प्रेस में पोपटलाल को बातों में उलझा के 2 बजे तक उधर से उसको निकलने नहीं दूंगा। जैसे सखाराम रेडी होता है तो मुझे फोन करना कि सखाराम रेडी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी, उसी वक्त मैं पोपटलाल को लेके यहाँ आ जाऊंगा। तो क्या कि जब भीड़े उठेगा तो सखाराम अपनी जगह पे होगा तो उसका भी गुस्सा शांत हो गया होगा। सही बात है, पोपटलाल और भीड़े मास्टर मिल ही नहीं पाएंगे। हाँ, पर बाद में पोपू और पीड़ू आपस में मिलेंगे और सखाराम के बारे में बात करेंगे, तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी छोड़ी बात की बात, बाद में, अभी तो इतना करते हैं भाई, हैं? बाद में सोचेंगे क्या करना।
पर जेठा ब्रा आज समझ में आ गया टप्पू को इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आते कहां से हैं? अरे भाई नाम मत ले टप्पू का, ये बच्चों की कारस्तानी की वजह से ही तो हम लोग फंसे। अति भाई अभी जाइए आप फटाफट जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भीड़े को पिला के उसे सुला दीजिए। ठीक है, एक मिनट अति भाई, याद रखना जायफल वाला दूध पीड़ू को पिलाना है, खुद मत पी जाना। हाँ हाँ, भिड़े मास्टर को भी पिलाऊंगा। ये मतलब? मतलब भिड़े मास्टर को ही पिलाऊंगा। हाँ जाइए जाइए जल्दी पड़ेगा। चलो जगावरा। हाँ छोटी, मैं क्या कहता हूँ जरा मेहता साहब को भी बता के जाए कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं। चलो जगावरा। मेहता साहब आप पोपटलाल को फोन करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे से बात करनी है अभी। एक मिनट रे, अरे भाई फोन पे गुस्सा करके क्या फायदा, जब सामने आया तब भरपूर गुस्सा कर लेना। हाँ फिर भी एक बार पोपटलाल से फोन पे बात कर लेते हैं। अरे अय्यर भाई आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं, ले रहे हैं। जेठालाल तू अभी तक गए नहीं? नहीं नहीं, हम लोग निकल ही गए थे, नुक्कड़ तक पहुँच ही गए थे कि मुझे याद आया कि भाई तुम लोग कहीं पोपटलाल को फोन ना कर दो, तो वही बताने के लिए वापस आए कि भाई पोपटलाल को फोन मत करना। अरे क्यों? क्यों क्या भिड़े, वो चौकन्ना हो गया और सखरों को लेके कहीं भाग गया तो ना पोपटलाल मिलेगा ना सखरम। नहीं सखरम पाइजे। नहीं नहीं, यहाँ से कोई फोन नहीं करेगा, मैं किसी को फोन नहीं करने दूंगा जेठालाल। हाँ फोन दो, आपका फोन दो। मैं फोन नहीं करेगा, रख दे। ये मैं करने ही नहीं दूंगा, फोन नहीं करना, फोन नहीं। चलो हम लोग जाके आते हैं। रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। पूरे प्रेस के सामने पोपट लड़के से पकड़ूंगा और उसकी जेब से चाबी निकालूंगा सखाराम की। चलो चलो चलो। कुछ बात तो सुनो यार, तुम क्या सुनो मेहता साहब, मुझे अभी के अभी पोपट लड़के प्रेस जाना है। आ तो हम लोग जा रहे हैं ना भिड़े। हाँ तो जेठालाल ठीक है ना, हम सब लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। रुक चुप। अरे 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 क्या कर रहे हो सुड़ी, मैं तेनू नहीं जान देना। अरे लेकिन क्यों नहीं जाने दोगे भाई, मैं प्रेस पे जाऊंगा, पोपटलाल को सखराम से बांध दूंगा और फिर दौड़ाते दौड़ाते उसको गोकुलधाम तक लेके आऊंगा। वो जानता नहीं एक शिक्षक की ताकत को। अरे शिक्षक साधारण नहीं होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। चला। अरे एक मिनट यार भाई, शांति रखो ना आप यार, शांति रखो। देख भिड़े, ये हमारे गोकुलधाम का मामला है, तू उधर जाएगा धमाल करेगा तो गोकुलधाम का कितना बुरा दिखेगा। अरे क्या हाँ सोड़ी जेठालाल, इसमें गोकुलधाम इसमें कहाँ से आ गया? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का एक मोबाइल सेक्रेटरी है, अभी तू वहाँ जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में, कि ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले तो सब ऐसे ही झगड़ालू है। और दूसरी बात, तू वहाँ प्रेस में जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग तेरी फोटो खींच के उधर के उधर ही अखबार में छाप देंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी की दिन दहाड़े गुंडागिरी। इतनी बदनामी होगी तेरी भीड़े, सोच कौन भेजेगा फिर तेरे पास ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को, है मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे प्रेस पे हमला समझता है तू भिड़े, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, प्रेस, और प्रेस पे हमला सरकारें भी बचती है और तू तो प्रेस में जाके हमला करने वाला है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात भिड़े भाई, ये सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में ही रहनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, है ना जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भिड़े हम लोग जाते हैं, तू यहीं रहे, हम लोग पोपटलाल को लेके आते। चलो चलो भिड़े, अरे ये लोग कर लेंगे, आओ ना। चलो 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 आओ छोटे, चलो चलो मैं भी आता है। यार भाई अब कौन है? मैं एक साइंटिस्ट है, और वो भी सीधे साधे साइंटिस्ट नहीं, उसके साथ साथ आप एक समझदार इंसान भी है। तो मेरे हिसाब से भीड़े को समझाने के लिए आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है ना सोटी? यस यस अय्यर प्रा, अंदर। यस सोटी, आई एम नीडेड हियर।
क्या बात है जेठा भाई, क्या मस्त सेट कितना है यार। क्या करे यार, करना ही पड़ेगा ना। चल चल अभी जल्दी से प्रेस में जाते हैं, वरना जो सेट किया वो सब बिगड़ जाएगा। चल 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 थोड़ी जल्दी चलते हैं। हम लोग एक गल तो भूल ही गए, कौन से हाथी भाई पीड़ू को दूध पिलाए उससे पहले अगर पोपू सोसाइटी में आ गया तो। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोल भाई, शुभ शुभ बोल। पोपटलाल यहाँ सोसाइटी में पहुंच गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं वो दोपहर को ही आएगा। चल चल ठीक है। बस 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 कितना हो भाई? हाँ ये लो। अरे अब्दुल फटाफट ब्रेड का पैकेट दे भाई, पूरी रात जगा हूँ, इतनी थकान हो रही है, ब्रेड बटर खा के आज पूरा दिन सोऊंगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? सखाराम किधर है? सखाराम? हाँ भिड़े भाई का स्कूटर। अरे वो पता है मुझे, लेकिन मुझे क्यों पूछ रहा है? सखाराम आप ही लेके गए थे ना? पूरी रात मैं जगा हूँ लेकिन नींद में तू लग रहा है। तू भी पूरी रात जगा है? पोपट भाई आप मजाक कर रहे हैं ना, बता दीजिए ना कि सखाराम कहाँ है। अरे सखाराम कहाँ है वो भिड़े को पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? मतलब आप सखाराम लेके नहीं गए? अरे मैं सखाराम को लेके क्यों जाऊंगा भाई, तो फटाफट ब्रेड का पैकेट देना। ओहो, जो आज तक गोकुलधाम में नहीं हुआ वो हंगामा होगा। क्या भेड़ी भाई का सखाराम सबेरे से गायब है? अरे बाप रे। और उनको लगता है कि सखाराम आप लेके गए हैं। क्या आपके नाम पे बिल फटा हुआ है? भेड़े का सखाराम गायब है तो उसका आरोप वो मुझ पर लगा रहा है? उन्होंने कहा है कि आज सोसाइटी में पोपट भाई नहीं या तो आप ही नहीं। क्या? एक तो बेबुनियाद आरोप लगाता है पर फिर कुछ भी बोलता है। सेक्रेटरी है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। पोपटलाल जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है, लेकिन एक बार उसे कोई छेड़ दे तो उसे वो छोड़ता नहीं है। पोपट भाई छाता मुझे दे दीजिए। क्यों? वो भिड़े भाई ने कहा है कि आपका छाता फाड़ देंगे। मेरा छाता फाड़ेगा वो? हाँ, और उन्होंने श्राप भी दिया है कि आपके 5 साल तक शादी नहीं होगी। मुझे ऐसा श्राप दिया? हाँ वो भिड़े भाई बहुत परेशान है ना, कहाँ होगा उनका सकाराम? अरे कहाँ होगा क्या, अब तो भिड़े का स्कूटर मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं कहाँ है। अरे मेरी शादी की शहनाई के सुरों को रोकने वाला वो होता कौन है? आज तो यहाँ ये छाता रहेगा या भिड़े। भिड़े पकड़ भाई, ओ भिड़े। भिड़े ऐसे परेशान होने से क्या होगा दोस्त, मिल जाएगा ना स्कूटर, मतलब सकाराम मिल जाएगा। ओ भिड़े। पोपट भाई, भिड़े, ओ भिड़े, बाहर आ, ओ भिड़े। अरे लेडीज की तरह घर में छिपके क्या बैठा है, बाहर आ। पोपट भाई, सांत। जेठा भाई और सोडी पोपटलाल को रोकने प्रेस गए हैं और पोपटलाल यहाँ पहुँच गया। अब तो ये दूध भिड़े के कोई काम का नहीं है। पोपटलाल आज तो तू गया। भिड़े मैं क्या करूं, देखो देखो ऐसे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेहता साहब उसने मेरे सखाराम को हाथ लगाया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। देखो देखो मेरी बात तो सुनो पोपटलाल। पोपटलाल शांत हो जाओ पोपटलाल। हाथी भाई प्लीज आज आप कुछ मत बोलिए। लेकिन मेहता साहब पोपटलाल से बात तो करना पड़ेगा ना। भिड़े सुनो यार, मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अरे आज तो तू गया। भिड़े भिड़े देखो पोपट पीछे देख क्या खड़ा हूं मैं। ओकड़ा जी आ बेटू शू थे रहे हो छे गोकुलधाम मां? Thank you.
तो आ गए पर सखराम नहीं दिख रहा है। सखराम कहाँ पे होगा? बेटा देखो बात सुनो। मेहता साहब आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। हाँ, कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आया तो समझो वो भी गया। पोपटलाल समझा करो बात को आराम से। जेठालाल और सूढ़ी ही जिस पोपटलाल को रोकने के लिए प्रेस तक गए वो पोपटलाल तो कंपाउंड में आ गया। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां छिपूं? पोपटलाल और भिड़े आमने सामने हैं। मैंने, जेठालाल ने, सूढ़ी ने, डॉक्टर हाथी ने जिस पोपटलाल पे सखराम को ले जाने का इल्जाम धर दिया कि उसने मजाक किए, वो पोपटलाल तो आ गया सोसाइटी कंपाउंड में। पर ये तो दोपहर को आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अब क्या होगा? युद्ध का मैदान बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी। दोनों के बीच भयानक युद्ध होगा क्योंकि सखराम को ले जाने की वजह से भिड़े आग बबूला है पोपटलाल। फिर पोपटलाल भिड़े ने जो शादी के बारे में श्राप दिया है उस वजह से गुस्से में है। अब क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे? किस्मत हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पोपटलाल तो एक सेकंड में बता देगा कि उसने सखराम नहीं लिया, वो सखराम को लेकर नहीं गया। तो फिर क्या, कहां छिपे? छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात है, आपके घरों में हंसी छिपके नहीं रहेगी, खुल के आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।